इट इज कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज ठीक है ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू का ये कैंसर होता है एंड इंक्लूडिंग बोन मैरोलूडिंग बोन मैरोमें क्या होता है कि हमारे ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज में कैंसर हो जाता है एंड इसके सिम्टम्स हैं वेट लॉस पैटीग क्वेंट इंफेक्शन एंड ईजी ब्लीडिंग ल्यूकेमिया में क्या होता है कि जो डब्ल्यू बी सी है डब्ल्यू बी सी के जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाते हैं ठीक है बट इन डब्ल्यू बी सी से क्या होता है कि ये नॉर्मल डब्ल्यू बी सी की तरह फंक्शन नहीं करते जिनका फंक्शन क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी ये जो डब्ल्यू बीसी है एक तो ये बहुत ज्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं और दूसरा हमारी बॉडी को डिफेंस भी नहीं करते तो इनकी वजह से क्या होता है दे स्टार्ट अफेक्टिंग में डब्ल्यू में सी का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है दैट इज वाइट ब्लड सेल्स ठीक है इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी हम कर सकते हैं विच इज फॉलोड बाय रेडिएशन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं सोल्यूकीमिया इज ऑल्सो नोन एज कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू बोन मैरो को भी इफेक्ट करता है अच्छा, इसमें क्या होता है अचानक से वेट लॉस हो जाता है फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन हो जाते हैं इजी ब्लीडिंग हो जाती है एंड फटिक हो जाता है डब्ल्यू बी सी का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है बट वो जो डब्ल्यू बी सी इंक्रीज करता है वो भी डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं हेल्प करता उल्टा वो क्या करता है ऑर्गन को डैमेज कर देता है So, इसमें जो ऑप्शन से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर